भारत और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के जुनून को लेकर पागलपन देखा जाता है, लेकिन जो पागलपन नेपाल में कीर्तिपुर में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ग्राउंड में देखने को मिला, उसके किस्से कहानियां नेपाली लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। आज के मैच यूएई से था और इस मैच को जीतने के बाद नेपाल की टीम क्वालिफाई कर जाती और यह मैच इंपॉर्टेंट था तो नेपाली लोग जमकर टूट पड़े। आलम यह था कि स्टेडियम में जितनी दूर आप नजर दौड़ाएंगे केवल और केवल नेपाली लोग अपनी टीम को समर्थन देने आए थे और जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली वो जाकर पेड़ों पर बैठ गए। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो रोमांचित कर देने वाली थी, क्योंकि क्रिकेट को लेकर ये पागलपन, ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा बहुत कम देखने को मिलता और इस लेवल पे ये नेपाली लोगों के साहस की जीत है कि नेपाल क्रिकेट टीम ने पिछले 12 में से 11 मैचेस हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बना दी है, जहां पर जिम्बाब्वे में वो क्वालिफायर मैचेस खेले जाएगी। शानदार मैच यूएई से ये मैच था और दमदार मैच हुआ। गेंदबाजी में रन जो है वो थोड़े ज्यादा बने। आपको बता दें कि 310 रन 50 ओवर में 6 विकेट पर यूएई ने बनाए, जहां पर आसिफ खान ने 42 गेंदों पर 101 बना दिए, लेकिन नेपाल की टीम ने 44 ओवर में 269 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। और सिर्फ मैच अपने नाम नहीं किया बल्कि जो जज्बा, जो जुनून, जो पागलपन क्रिकेट को लेकर दिखाया उसकी चर्चाएं दुनिया भर में हो रही है और नेपाल क्रिकेट का उज्ज्वल भविष्य जो है उन लोगों को नजर आ रहा है। तो ये मेरे नेपाली भाइयों के लिए शान